अमेठी प्रेस क्लब मुसाफिर खाना तहसील अध्यक्ष बिशंभर नाथ तिवारी और उपाध्यक्ष बने अकील अहमद। पत्रकारों में हर्ष। मुसाफिर खाना अमेठी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 15 दिसंबर को अधिवक्ता सभागार मुसाफिर खाना में प्रेस क्लब जनपद अमेठी की तहसील इकाई मुसाफिर खाना का गठन हुआ, जिसमें उपस्थित सभी प्रेस क्लब सदस्यों ने जिला अध्यक्ष शीतला मिश्रा के नेतृत्व और प्रेस क्लब संरक्षक के सिंह के साथ सर्वसम्मति से मुसाफिर खाना के बिशंभर नाथ तिवारी को तहसील अध्यक्ष और जगदीशपुर के अकील अहमद को तहसील उपाध्यक्ष चुना। इस अवसर पर सभी पत्रकार उपस्थित रहे। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह। देखिए, ये तहसील प्रेस क्लब मुसाफिर खाना की बैठक थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यहाँ तहसील इकाई का गठन होना था। हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वसम्मत से श्री बिशंभर नाथ तिवारी जी को तहसील इकाई का अध्यक्ष चुना गया। श्री अकील अहमद, जो जगदीशपुर ब्लॉक के निवासी हैं, जगदीशपुर से पत्रकारिता करते हैं, उनको उपाध्यक्ष चुना गया। और चूंकि सुकुल बाजार के कुछ लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि महामंत्री पद के लिए सुकुल बाजार में अगले रविवार को 22 तारीख को जा करके आम सहमत बनाने का प्रयास करके और एक नाम वहां से चयनित करके महामंत्री के रूप में उसका चयन करें। और तीनों लोग जो तहसील इकाई है, जो पत्रकारों की समस्याएँ हैं, उसमें तहसील के अधिकारियों से, थाना क्षेत्र के अधिकारियों से, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। और एक महत्वपूर्ण और इसमें रहा कि यहाँ जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पत्रकार भी हैं, के सिंह जी को, उनको सर्वसम्मत से प्रेस क्लब मुसाफिर खाना का संरक्षक नियुक्त किया गया है। वो इस पूरी टीम को अपना आशीर्वाद और संरक्षण देते रहेंगे। जहाँ भी इनको कोई असुविधा आएगी, इनको पूरा सहयोग करेंगे। क्या उद्देश्य है इस गठन का? देखिए, इस संगठन का उद्देश्य यही होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, इनको खबरों के आदान प्रदान में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसमें हम लोग सहयोग करें। प्रशासन से किसी का उत्पीड़न हो रहा है, चूँकि हम लोग इसी इलाके के निवासी हैं, हम लोगों की भी अपनी तमाम सारी समस्याएँ हैं और तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे लोग खबरों को लेकर के, गाँव की पटीदारी को लेकर के परेशान करते रहते हैं। अनावश्यक रूप से किसी का उत्पीड़न न हो, सबके स्वाभिमान की, सम्मान की रक्षा हो, इसके लिए संगठन का गठन है और संगठन इसके दिशा में निरंतर प्रयास करता रहा है।